आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। पर यहाँ पर एक नव निर्मित बुद्ध विहार जो कि बनगवाटी के लोगों के द्वारा ये बनाया जा रहा है, यहाँ पर नई आशा संस्था के द्वारा, डॉक्टर अखिलेश के द्वारा यहाँ पर इस बुद्ध विहार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं और ये इस ग्राम के ग्राम प्रधान जी हैं, ये यहाँ के BDC हैं और वो इस बुद्ध विहार संस्था के मेन कार्यकर्ता धरता हैं। आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर बोध वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, उस बोध वृक्ष को लगाकर यहाँ पर ये लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यहाँ पर ये बुद्ध विहार को हरा भरा बनाने के लिए, बुद्ध विहार में लोगों को छाया प्रदान करने के लिए, इस वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब लोग मिलकर के यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और वृक्षारोपण करके वातावरण को, यहाँ पर हमारे बीच में जो नवनिर्मित बुद्ध विहार है वहाँ पर नई आशा संस्था के द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि जो नई आशा संस्था के यहाँ पर सहयोगी हैं, जो नई आशा संस्था की शाखा चलाते हैं, जिनके द्वारा आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनके मन में ये विचार कैसे आया, क्यों इन्होंने पूरे ब्लॉक में ही नहीं, पूरे जहाँ पर इनका जो है बनारस से लेकर के यहाँ तक वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। पहले हम जानना चाहेंगे कि इनका परिचय क्या है। सर, आपके मन में ये कैसे विचार आया कि हमको वृक्षारोपण करना चाहिए? वृक्ष ही एक ऐसा आधार है मानव जीवन और आज की इस गर्मी में पता लोगों को चला है, वृक्ष ही एक ऐसा कारण है उसके मिला गए नहीं था, खाने पीने के साथ संसाधन हर एक चीज़ था, लेकिन जो है वृक्ष के द्वारा मिलने वाले संसाधन सेवाएँ का अभाव था, जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा गया। इसके लिए जो है एक कदम चल करके एक पौधा लगाएं, लोग सोचते हैं कि पौधा लगाएं क्या होगा, लेकिन डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आप इस ब्लॉक में कई जगह पौधे वृक्षारोपण करवा चुके हैं, तो आपने अब तक कहाँ कहाँ वृक्षारोपण करवाया? हमने मालीपुर जी, आजमगढ़, मिर्जापुर और चल ही रहा है और प्लान है हमारा। हमारे बीच में इस बुद्ध विहार के एक तरफ से कहिए, संस्थापक कहिए, कि जिनके पिताजी के द्वारा ये जमीन बुद्ध विहार के नाम से की गई थी, बाबा साहब के अंबेडकर पार्क के नाम से की गई थी और इनके पिताजी भी प्रधान थे मौके पर, ये भी प्रधान हैं। पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। सर आपका परिचय? राजेश कुमार वर्मा। माननीय राजेश वर्मा जी जो कि मौके पर प्रधान हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बुद्ध विहार? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह जब संजोग है हमारे पिता जी द्वारा जमीन में छोड़ा गया, आज मैं भी प्रधान हूँ, थोड़ा बहुत मेरा संजोग है। सर, डॉक्टर अखिलेश जो यहाँ पर वृक्षारोपण करवा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार? बहुत ही हमें अच्छा लगा इनके विचारों से कि इतना अच्छा ये जनमानस में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में इस बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं जो कि मतलब इस बुद्ध विहार की देखरेख करते हैं, जिनकी देखरेख में यह बुद्ध विहार बनवाया जा रहा है, हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे भैया आपका परिचय क्या? चंद्रिका गौतम, ग्राम मनवाड़ी, तहसील कादीपुर, जिला सुपर का निवासी हूँ। मैं सभी धर्म साथियों को अपनी तरफ से नमो विधा जय भीम। आपको ये बुद्ध विहार बनवाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? सर हमें तो आधार बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे ग्राम पर जो विशाल कायम हो रहा है कि बुद्ध विहार बन रहा है, यहाँ शायद सुल्तानपुर जिले में ऐसा कोई नहीं बना होगा जब ये बन के तैयार होगा। सर मतलब इसकी जो रूपरेखा है आप इतना भव्य बना करके रखने वाले हैं, ये ऐसा बुद्ध विहार पूरे सुल्तानपुर में नहीं होगा? सर ये हमारा अनुमान बता रहे हैं अपना कि आप तक जहाँ तक देखे हैं ऐसा नहीं बनेगी, हम लोग बना कर तैयार कर देंगे। हमारे बीच में नई आशा संस्था की सहयोगी हैं, मौके पर मौजूद हैं, जो भी कदम से कदम मिला करके उनका सहयोग करती हैं और इस वृक्षारोपण भी उनका सहयोग हो रहा है। मैं परिचय के साथ साथ इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी विचारधारा क्या है इस वृक्षारोपण को लेकर। मैडम आपका परिचय? सोनिया जी, आज आप जो है यहाँ पर वृक्षारोपण कर रही हैं, अभी आपने बोध वृक्ष यहाँ पर लगाया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको क्यों अच्छा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ छाया रहेगी, सब लोगों को पर्यावरण मिलेगा, यहाँ जो लोग आएंगे कम से कम धूप के लिए तो थोड़ा राहत रहेगी, फायदा रहेगा।
आपका कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर बैठेंगे, चाहे वो पशु पक्षी हो या आदमी हो, जो भी यहाँ पर बैठेंगे उनको छाया महसूस होगी, छाया मिलेगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। हमारे बीच में इस बुद्ध विहार के जो नवनिर्मित बुद्ध विहार है, जो इस बुद्ध विहार के मेन कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता धरता है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा परिचय के साथ अपना बताएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं इसी ग्राम सभा बनगौड़ी का निवासी हूं और मैं भी केमास न्यूज नेटवर्क में क्राइम रिपोर्टर के पद पर काम करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा महोदय जी कि आप जान लीजिए कि ये आज डॉक्टर साहब की महान कृपा है कि जो ऐसा कार्य उन्होंने इस बुद्ध विहार में जो करने का काम किया है वृक्षारोपण का। और जहाँ तक हम लोग चाहते हैं कि पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में ऐसा हम लोग बुद्ध विहार बनाने का काम करेंगे कि पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं ऐसा बुद्ध विहार। आपको ये बुद्ध विहार बनाने की प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई, आपने बुद्ध विहार बनाना क्यों चाहा? सर, ये प्रेरणा तो मेरे पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को मिली। हमारे पूर्वज ही आज ऐसा करके गए जो यहाँ पर एक हमारे गाँव में जो है अम्बेडकर पार्क के नाम पर जमीन अलाट करवाए और वहीं से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया तो हमने बाबा साहब बुद्ध भगवान के विषय में पढ़ा और जा करके जो हमारे पूर्वजों ने जमीन क्या ये जो जमीन है जिस पर बुद्ध विहार बन रहा है, जिस पर आप लोगों ने वृक्षारोपण किया है, क्या ये अम्बेडकर पार्क नाम से चिन्हित है? जी जी, ये दर्ज है, ये जमीन दर्ज है। ये पूरी तरह से कानूनी रूप से हम देखेंगे तो एकदम पूरी तरह से फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जमीन है, ये जमीन लगभग कितने बिस्वा में होगी? समथिंग 10 बिस्वा कुछ दूर के आसपास में है। ये 10 बिस्वा से एवं जो है जमीन है जो बुद्ध विहार के नाम से रजिस्टर्ड है, इसकी खतौनी बुद्ध विहार के नाम से, बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क के नाम से बनी हुई है और जिसमें लोग तमाम वृक्ष लगा करके हरियाली करके यहाँ के लोगों को शुद्ध वातावरण देने का काम कर रहे हैं। और भी इस बुद्ध विहार में तमाम कार्यक्रम अभी होने हैं, इस बुद्ध विहार को निर्मित करना है, तो मैं अपनी तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस बुद्ध विहार में सहयोग करें, जहां भी जिस तरह से भी आपको सहयोग करते बना सहयोग कीजिए। जिस तरह से डॉक्टर अखिलेश साहब यहां पर जो है पेड़ लगा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी जो हो सकता है आप भी सहयोग करें। यहाँ के प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं और भी जनता सहयोग कर रही है, तो जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार इस बुद्ध विहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, देखते रहिए केमास न्यूज को। केमास न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.केमासन्यूज.com या केमास न्यूज ऐप।